नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों, बात करें एमपी बोर्ड एमपी की अद्वार्षिक परीक्षा 2022-23 का। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर है, माध्यम है हिंदी, अब 12वीं क्लास का पेपर है। तो ये बात करते हैं इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और इन क्वेश्चनों की आपको आंसर के भी बताने वाला हूँ। लास्ट में इस जो भी यहाँ पे पेपर है इसके सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे अणु संख्या गुण धर्म नहीं है। तो इनमें से चार ऑप्शन है, इनका आंसर आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा सभी क्वेश्चनों का। दूसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी है। उसके बाद में तीसरा आता है संक्रमण तत्व कौन से है। उसके बाद में एक समीकरण दे रखा है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में निर्माण होता है। ईथर के समावयनी होते हैं, इसके बारे में बताना है। और उसके बाद में बेरी बेरी रोग के किस विटामिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन का एक बहुलक है, इसका भी आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ग्लूकोज है, कार्बन युक्त सेकेराइड है, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीगत होकर बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है दूसरे का फिनोल का स्वभाव होता है। एल्किल एलाइड का सामान्य सूत्र कौन सा है। नेक्स्ट आता है सिक्स, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है। अंतः संपन्न तत्वों का रासायनिक इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा है। सही जोड़ा यहाँ पे मिलाना है, ये भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो ये जोड़े जो भी यहाँ पे मिलते हैं इसको लास्ट में आंसर आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर देने, जैसे विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहते हैं। Fe+2 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। वर्णन की प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होते हैं। एल्कोहल के निर्जनीकरण पर बनता है। फेनिलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवशेष अवक्षेप देता है। फार्मेलिन क्या है, हेनरी का नियम बताना है। पांचवा क्वेश्चन है ग्लूकोज के 5% विलयन के 25% दाब की गणना कीजिए। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो संक्षारण किसे कहते हैं, इसके निवारण के दो उपाय लिखे। Ga+CaCl2 और से 20.0 Ga को प्राप्त करने के लिए कितने फेराइड विद्युत की आवश्यकता होती है। सातवां क्वेश्चन, संक्रमण धातु के सामान्यतः रंगीन हो यौगिक बनाती है, क्यों बनाती है। और उसके बाद में तो हम दे रखे हैं यहाँ पर संक्रमण धातु तथा इनके अनेक यौगिकों उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन, उपसंयोजक यौगिक तो मैं तो बताइए कार्ब धातु यौगिक किसे कहते हैं। ये दोस्तों पेपर बहुत काम आने वाला है, आने वाले जो भी आपके जिले के पेपर रहेंगे और जिसका भी पेपर हो उसके आंसर के आप जरूर देखेंगे। निम्न यौगिकों के IUPAC से नाम बताइए, तो ये दो दे रखे यहाँ पे। ओके, उसके बाद में तो हम पूछा है दसवां क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको समझा जैसे साइनोहाइड्रिन हो गया। उसके बाद में टोलिन अभिकरण हो। 11वें क्वेश्चन में देख सकते हैं एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को प्राप्त करेंगे, तो ये दो दे रखे हैं, दोनों में से बताने हैं आपको, बढ़ते क्रम में बताना है इसमें अथवा के अंतर है। 12वां क्वेश्चन है DNA और RNA के अंतर बताना है। ज्यूट्राइन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। आदर्श और अनादर्श विलयन के तीन अंतर बताना है। कौथनाक में उन्नयन और अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान के संबंध में स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रभाव बताइए। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में तीन अंतर बताइए। फिनोन के बनने की विधि और उपयोग बताइए। विलोपन अभिक्रिया को समझाना है, ये दो तीन दे रखे हैं तीनों में से समझाना है। फिनोल और एल्कोल में अंतर बताना है। 17वां क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन के कोई चार इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है अथवा हमें दे रखे, जैसे बोटाज अभिक्रिया और स्वाटज अभिक्रिया हो गई, सेंट मेयर अभिक्रिया हो गई, हुंसडियर अभिक्रिया हो गई। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांक की चालकता की परिभाषा इकाई देना है। नेक्स्ट है कोलराइस नियम की परिभाषा और इसके निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH और λm ज्ञात करना है। 19वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझा, जैसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो गई, किनिजारो अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया हो गई, इटाज अभिक्रिया हो गई, निम्न को समझाना है। क्लेमेक्स अपेचन, वुल्फी किस्म अपचयन, एलिड हाइड और कीटोन में अंतर बताना है। ये तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपके आंसर के पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं, तीसरा, चौथा, जो भी आपका जो आंसर है इसमें आप मिलान कर सकते हैं। एक वाक्य वाले भी यहाँ पे हैं आपके सामने, आंसर दे रखे हैं सारे के सारे। ओके, तो ये आंसर भी आप मिला सकते हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आपको ऐसे ही पेपर लगातार मिलते रहेंगे MP बोर्ड के। थैंक यू।